कन्यादान से बड़ा कोई यज्ञ व दान नहीं। राजन जी, बढ़लगंज गोरखपुर से खबर सामने आ रही है। विगत 3 दिनों से हो रही श्री राम कथा में अपनी अमृतवाड़ी से भजन व श्री राम कथा सुनाकर हर किसी को सम्मोहित कर देने वाले परम पूज्य रावण जी महाराज ने कहा, राजन जी महाराज ने कहा कि व्यक्ति से भाव के भूखे होते हैं। भगवान व्यक्ति को जीवन की यात्रा उसी के साथ करना चाहिए जिसके साथ आपका चित व चरित्र दोनों मिलता रहे। जीवन में सुख का अनुभव उसी को प्राप्त होता है जिस पर भगवान की कृपा होगी। राजन जी महाराज ने कहा कि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान तो प्रकट होते हैं। इसलिए जीवन में उनसे कुछ मांगने की इच्छा हो तो धन संपदा की मांग से बेहतर ही कि स्वयं उन्हें या उनकी भक्ति मांग लिया जाए, क्योंकि वही वह प्रार्थना है जिनसे मानव जीवन कृतार्थ व जगत कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। हनुमान सेवा समिति द्वारा आयोजित रामकथा के 3रे दिन ही उमड़ी श्रोताओं की भारी भीड़ की स्थिति होने की वजह से 200 फीट पंडाल को पुनः 100 फीट और बढ़ाना पड़ा। यजमान के रूप में उपस्थित प्रख्यात समाजसेवी संजय सोनी, दिनेश पांडे प्रधान ने व्यासपीठ का पूजन अर्चन कर कथा श्रवण किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से श्रीश दास जी महाराज, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर A.N. चौबे, बाल रोग विशेषज्ञ सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। महाराज जी, गोरखपुर की धरती पे बाबा गोरखनाथ की पावन भूमि कही जाती है, माँ सरयू के किनारे बढ़लगंज में नववर्ष के अवसर पे आपका ये भगवान श्री राम की कथा, इस संयोग को आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सबको मेरा जय सियाराम, सबको प्रणाम। देखिए, हम और आप आज यहाँ बैठे हैं, मिले हैं, तो ये संयोग नहीं है, सुयोग है। और ये सब ठाकुर जी की रचना है, सब पूर्व निर्धारित है। कल की कथा शायद आप हों, कुलदीप बाबू, प्रमोद जी, जितने लोग हैं इसमें, 1 वर्ष पहले ये लोग मुझसे मिले हैं। पहली बार प्रत्यक्ष रूप से मैंने इन लोगों को देखा, ये लोग पहले से देखते सुनते होंगे। 1 वर्ष के भीतर ही कथा हो रही है, तो ये बिना भगवत कृपा के संभव नहीं है। तो अंग्रेजी 9 वर्ष में, हमारा 9 वर्ष तो है नहीं, ये अंग्रेजी 9 वर्ष में सरजू मैया के तट पर हम और आप बैठ के कथा गा रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये एक तरह से कहिए तो यहाँ जो विचित्र वीर हनुमान जी महाराज बैठे हैं, ये साक्षात हनुमान जी ही श्रवण करना चाहते हैं, इसलिए रचना बनी और हम और आप हैं एकत्रित हुए। आज की युवा पीढ़ी जो पाश्चात्य सभ्यता को अपनाने की होड़ में लगी हुई है, ऐसे में उनके लिए आपका क्या कहना? कल यही प्रश्न एक बहन ने मुझे गोरखपुर एयरपोर्ट के पास पूछा। देखिए, हर चेतना के, हर विचार के लोग हर समय है। ये आप कह रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रही है, हम नहीं मानते, क्योंकि हमारी कथाओं में युवाओं की संख्या सबसे अधिक रहती है। तो जो हम देख नहीं रहे उसको मान क्यों, मानेंगे क्यों? आपका प्रश्न ये भी हो सकता था कि महाराष्ट्र की कथा में आने के बाद ये महसूस हो रहा है कि आजकल की युवा अध्यात्म की ओर जुड़ रही है। लेकिन महाराज, जैसे क्रिसमस हुआ, न्यू ईयर हुआ, जैसे गोरखपुर में उस दिन गया तो बहुत ज्यादा लोगों का लगाव उसमें ये हो रहा है। ये सही है कि कथाओं में हमने युवा सारे लोग इसमें भी हैं, लेकिन कहीं कहीं उधर भी उनका जुड़ाव है। वो सब जगह लोग थे भैया, सब समय में है। राम जी के समय रावण भी था, कृष्ण के समय कंस भी था, शिशुपाल भी था। उसी प्रकार आज के समय में भी सब तरह के लोग हैं। अंग्रेजों के विदेश में भी जाएगा तो वहां हमारी संस्कार सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। हाँ, यदि हमारे घर की संतान उस संस्कृति की ओर बढ़ रही है तो अपराधी संतान नहीं, अपराधी हम हैं, क्योंकि हमने बचपन में बच्चों को वो परवरिश नहीं दी, वो वातावरण नहीं दिया जिससे हमारे बच्चे संस्कृति से जुड़ सके। हम लोग जाते हैं, पूरे देश में घूमते हैं, कई घरों में जाते हैं भैया, 2 दिन रह के चले आते, बच्चे नहीं मिलते। क्यों? बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, माता पिता पढ़ा। एक बार मैं कथा में भी जिक्र किया था, एक बार दक्षिण भारत में कथा गाने गया, इसी 25 दिसंबर से कथा थी, 1 जनवरी को जो कथा कराए थे उनके घर गया मैं भोजन करने, तो मैंने सामान्यतः उनसे प्रश्न किया कि बच्चे कहाँ हैं भाई साहब, तो हंस के बोले महाराज जी बच्चे 24 तारीख से गोवा गए हुए। मैं कुछ बोला नहीं, चला आया। अब जो कथा करा रहे हैं उनको उनका ही अपने घर के बच्चों पर अंकुश नहीं है, वो आयोजन करा रहे कथा का, घर के बच्चे गोवा पार्टी कर रहे हैं। तो यदि हमारी संतान संस्कृति को छोड़कर बाहर भटक रही है तो अपराधी संतान नहीं, अपराधी हम हैं।
क्योंकि उसी परिवेश में और भी बच्चे हैं जो अध्यात्म से जुड़े हुए, अपनी संस्कृति से जुड़े हैं। यदि प्रभाव पड़ता तो सब पर पड़ता, किसी पर नहीं पड़ रहा है, इसका अर्थ है उसकी जड़ मजबूत है, और जहाँ प्रभाव पड़ रहा है वहाँ जड़ में कमजोरी है। महाराज जी, मेरा एक सवाल था जी। जब आपने धर्म और संस्कृति की बात कही तो मन में एक सवाल आता है कि कहीं ना कहीं एक सवाल सबके मन में है कि धार्मिक कट्टरता आपके हिसाब से सही है, क्योंकि धीरे धीरे नहीं, कट्टरता कह के उसको शब्द को बिगाड़ा जा रहा है। अच्छा। धार्मिकता, हर व्यक्ति को धार्मिक होना चाहिए। हम अपने देश को, अपनी संस्कृति को मानेंगे तो हम कट्टर हो जाएंगे, ये शब्द गलत है। कट्टरता शब्द कहें तो ये राजनीतिक शब्द है और उसको राजनीतिक लाभ हानि के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। धार्मिक कट्टरता कुछ नहीं होता है। क्या जो धर्म को मान रहा है वो कट्टर है? ये गलत बात है। हर व्यक्ति इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो अपने धर्म को शत प्रतिशत जीवन में पालन करे और उस पथ पे चले। कट्टरता क्या शब्द है? हाँ, अपने धर्म का आदर करिए, दूसरे धर्म का विरोध न करिए। देखिए, जिस हमारे पूज्य महाराज जी कहा करते हैं, बाबू जिसका आप विरोध करेंगे तो विरोध करने के लिए चर्चा करनी पड़ेगी। चर्चा करना का मतलब है आप उसका प्रचार कर रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? जैसे कुछ वर्ष पहले एक मुहिम छिड़ी थी, भ्रष्टाचार मिटाओ, तो ये नहीं कहना है कि भ्रष्टाचार मिटाओ, ये कहना है कि सदाचार बढ़ाओ। अर्थ दोनों का एक ही है, परंतु आप जिसका शब्द का प्रयोग कर रहे हैं आप उसका प्रचार कर रहे हैं। उसी प्रकार यदि आप किसी धर्म की बुराई कर रहे हैं तो आप साथ ही साथ उसका प्रचार भी कर रहे हैं। तो किसी का विरोध, जितना समय आप किसी के विरोध में लगाएंगे उतना समय अपने धर्म के उत्थान में लगाएंगे, अपने जीवन के उत्थान में लगाएंगे। ठीक महाराज जी, आज की राम कथा जो है जी, ये कथा और भजन का सम्मिलित रूप है क्या, ऐसा आप कह लीजिए? देखिए, हम वस्तुतः भजन गायक नहीं है जी, हम कथा वाचक हैं। भगवान की कथा गाते समय उस कथा को और गहराई तक श्रोताओं के हृदय में उतारने के लिए भजनों का सहारा लेना पड़ता है। समझ रहे हैं? भजनों के माध्यम से जो बात हम ऐसे कहना चाहते हैं, अब जैसे भजन है, वो भजन दिन रात जीव गुनगुनाता है। अभी भैया बताएं कि महाराज जी आपका भजन सुना, अब वो भजन शरणागति का है। कथा में यदि हम कहें कि भगवान की शरण में जाइए, भगवान से कहिए कि प्रभु हम जैसे भी हैं आपके हैं, ये वाक्य जीव दिन भर नहीं बोल सकता, लेकिन ये जरूर गाएगा कि अगर नाथ देखो गे अवगुण हमारे तो हम कैसे लगेंगे भव के किनारे, ये इसको हमेशा गुनगुनाएगा। तो भजन क्या है, एक नई विधा है ये। पूज्य इस नारदीय परंपरा के जनक पूज्य बापू हैं जिन्होंने इस विद्या को जन्म दिया, और हम जितने कथावाचक हैं उसी के पथ, उन्हीं के पथ पे चल रहे हैं इस परंपरा को लेकर। भजन कथा को एक स्तंभ देकर और श्रोताओं तक और आसानी से वहां तक पहुंच होती है भजन के माध्यम से। आपकी भजन को सुनकर सारे श्रोतागण में झूम उठे, आज जैसे हमने आज देखा, आज दूसरे दिन जी काफी अच्छा लगा। तो इसमें जो है आप में ऐसा क्या आकर्षण है कि लोग इस तरह जो है झूम उठते हैं? आप तो जो झूम रहा उससे पूछना पड़ेगा, आप कल पूछ लेंगे ये मैं नहीं बता सकता जी। भी आप कुछ कह रहे थे महाराज जी, सामान्य रूप से जन अभिवादन में भी है कि जय सीताराम। हाँ। जय सियाराम जी, लेकिन जय सियाराम से ज्यादा अब जय श्री राम एक टर्म लगातार चलता है, तो जय सीताराम ज्यादा उचित है या जय सियाराम? दोनों का एक ही अर्थ है, श्री यानी सीता जी, जय श्री राम भी कहते हैं तो उसमें श्री यानी सीता जी हो गई। बचपन से जिज्ञासा रही, और दो दिन पहले जब आप का आगमन यहाँ हो रहा था तो हमारे एक साथी ने एक सवाल के माध्यम से याद भी दिला दिया कि हम बहुत सारे देव को मानते हैं, बहुत हमारे इष्ट और भी होते हैं, हम अन्य लोगों की भी पूजा करते हैं, लेकिन जब हमारी अंतिम यात्रा निकल रही होती है तब सिर्फ श्री राम ही क्यों याद आते हैं? कि राम नाम ही सत्य है, कोई शंकर सत्य नहीं कहता, कोई हनुमान सत्य नहीं कहता, श्री राम सत्य ही कहा जाता है। आखिर बस ऐसा क्यों? राम को उल्टा करिए, उत्तर मिला, वही गति है, श्री राम नाम सत्य है। और अभी आपने एक बात कही कि कई देवताओं की पूजा करते हैं, सनातन संस्कृति में हमारे धर्म में केवल पांच देवताओं की उपासना है, पंच देव।
आप सामान्य भाषा में दोहा है, सदा भवानी दाहिने, आगे बोलिए, सन्मुख रहत गणेश, पांच देव मिले रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। यही पांच देव पूजनीय है जिनकी नित्य पूजन करनी चाहिए हर सनातनी को। राम कृष्ण नारायण विष्णु एक ही हो गए श्रीहरि, भगवान शंकर, ठीक, तीसरे में दुर्गा, चौथे में गणपति और पांचवें में सूर्य नारायण। ये पंच देव उपासना है, इनकी नित्य पूजा करनी चाहिए। ठीक, और कोई प्रश्न? महाराज जी, जब भरत चरित्र राम कथा के समय आप आते हैं तो वो समय बहुत भावुक हो जाता है। कई बार देखा गया है कि आपके कंठ भी अवरुद्ध हो जाते हैं, आंखों में एक नमी सी हो जाती है, ऐसा वो पल क्यों हो जाता है? प्रसंग ऐसा है भैया, देखिए कोई भी व्यक्ति भावुक यूं नहीं होता है, जब कोई बात जाकर हृदय में उतरती है तब वो भावुक होता है। वो प्रसंग ही ऐसा है, पूरे श्री रामचरित मानस में पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम जी के बाद सबसे अधिक किसी का चरित्र गाया है तो भरत भैया का चरित्र है। वो इतना कारुणिक प्रसंग है जिसके कारण कंठ अवरुद्ध हो जाता है, ऐसा लगता है कि हम उसी दृश्य के साथ वहां उपस्थित हो गए हैं। तो फिर वो जो मानसिक रूप से उपस्थित, देखिए शारीरिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं है, कथा में हजारों लोग बैठे हैं लेकिन क्या हजारों लोगों का मन कथा में बैठा है, ये प्रश्न है। कई लोग शरीर से वहां रहते हैं, मन से बाहर विचरण करते हैं। मन जब आपका कथा में, केवल भरत चरित्र के प्रसंग में नहीं, मानस में कई प्रसंग ऐसे हैं, मन जब आपका प्रसंग में उपस्थित हो जाएगा तो आप उस प्रसंग में समाहित हो जाएंगे। फिर वहां जो ऐसा भी उल्लास होगा तो आप आनंद में झूमेंगे, करुण होगा तो आप करुण में उतर जाएंगे, उसका प्रभाव है। भगवान राम के साथ में लक्ष्मण जी रहे, लेकिन जब भी उदाहरण देने की बात आई तो उन्होंने भरत जी का उदाहरण दिया, ऐसा क्यों? उत्तर मैंने पहले दे दिया है, किसका मन आपके साथ है? महाराज जी देखिए, एक चीज ये देखने को मिलता है कल सतयुग से लेके आज तक, अगर राम है तो रावण भी है, ये कही राशि थी, कृष्ण है तो कंस है, ये क्या विस्तार है? ये कही राशि के लोग हैं, कृष्ण अगर हुए तो कंस अतताई हुए, राम हुए तो रावण हुए, लेकिन ये कही राशि का है, ये दिमाग की खेल है केवल। हाँ, तर्क करने के लिए आदमी जोड़ घटा लेता है, इसमें नहीं देखना चाहिए। यहाँ देखना चाहिए कि कौन धर्म पथ पर है, कौन अधर्म पथ पर है, नाम से कुछ नहीं है वहां पर। अब एक ही राशि के नाम तो जो प्रभाव राम जी पे पड़ना चाहिए वो राम पे भी पड़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। जीवन में देखिए तीन प्रकार के संस्कार से हम और आप प्रभावित होते हैं। कितने प्रकार के संस्कार? तीन। कुल संस्कार, जन्माद्य संस्कार और संग संस्कार, जिसमें से दो पर हमारा आपका कोई अधिकार नहीं है। एक जन्माद्य संस्कार, जो पिछले जन्म में हमने आपने कर्म किया है उससे जो संस्कार निर्मित हुआ है वो हम लेकर आए हैं। दूसरा, जिस घर में हमने और आपने जन्म लिया है उस घर का अपना कुल का संस्कार है, उस पर उससे हम प्रभावित होते हैं। तीसरा संस्कार है संग संस्कार, किस प्रकार के व्यक्तियों का हम और आप संग करते हैं उस संग का जीवन पर प्रभाव पड़ता है। राम, ये अयोध्या जो है, ये बहलगंज जो है दूसरी अयोध्या मानी जाती है, और महाराज जी आपका कदम यहाँ बहुत, हम लोगों को पूरी जनता लालायित थी कि आपका आगमन हो रहा, तो आपको यहाँ आके ये दूसरी अयोध्या बहलगंज में कैसा लगा? और यहीं आगे दोहरी घाट जो है, दो हरि का मिलन हुआ, जी जी जी, तो इस धरती पर आपका कैसे आभास हुआ कि क्या यहाँ की जनता आपको कैसा सुन रही है, कैसा महसूस? दिव्य भैया जी, दिव्य। देखिए भावुक श्रोता यदि मिल जाए तो कथवक्ता को भी आनंद आता है। स्वरूप आप शायद कथा में आज थे कि नहीं थे मुझे नहीं, नहीं। हाँ, तो इसका प्रश्न मुझे उत्तर देने का आवश्यकता नहीं है, वो तो पंडाल बता रहा होगा कि क्या स्थिति है। ये प्रथम ये चाहते थे जी कि जैसे वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस, जैसा रामायण धारावाहिक चला बताया जाता है कि वाल्मीकि रामायण में माननीय आजाद जी ने उसको पहले लिख दिया था, बाद में माननीय तुलसीदास जी ने उसको
इनके गुरु में भी समय, मतलब दोनों में अंतर क्या आपको लगता है? अंतर बहुत सारे प्रसंगों में अंतर है। अब जैसे अभी भाई साहब ने कहा दोहरी घाट, तो यहाँ पर जब भगवान विवाह करके आ रहे हैं तो रास्ते में परशुराम जी मिले हैं, तो दो हरि यहाँ मिले, लेकिन श्री रामचरितमानस जी में धनुष भंग के बाद ही परशुराम जी का आगमन हो जा रहा है। वाल्मीकि रामायण में केवट जी का कोई प्रसंग नहीं है, मानस जी में बहुत मुख्य प्रसंग है, तो बहुत अंतर है प्रसंगों का। जैसे कहा जाता है वाल्मीकि रामायण में इसे लोकुश कांड काल्पनिक है, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब भगवान राम ने सीता को त्याग किया ही नहीं था। हाँ, जैसा एक काल्पनिक बनाया गया है। हाँ, मतलब इसमें आपकी, इसमें मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मानस विजय में तो नहीं लिखा है माँ के वनवास का, तो जो लिखवे नहीं किया उसमें कहा है बोलेंगे। लोकुश कांड मानस जी में नहीं है, मानस जी में नहीं है, उत्तर कांड ही है बस। मानस जी में केवल इतनी चर्चा है राम राज्य के समय में कि चारों भाइयों के दो दो पुत्र भय, उनमें से लव कुश जी का केवल नाम लिखा गया है बस, माँ के परित्याग की कोई चर्चा नहीं है श्री राम चरित मानस में। जैसे जो रामायण धारावाहिक में दिखाया गया उत्तर कांड में वाली लव कुश जाते हैं राम के दरबार में, पत्नी के बाद में वो पृथ्वी मन में होती है, तो अब जैसे आम जनता जो धारावाहिक के प्रति जो होती मान लीजिए राम के प्रति उसको जुटे हैं, तो यह कई पर मतलब कई स्थानों पे बात को विचार किया गया, जैसे कुमार विश्वास जी का भी एक इस समय से राम करके चला था देखे, उसमें भी उन्होंने उल्लेख किया था कि माता का कहीं त्याग नहीं किया गया, राम जी को बहुत प्रिय थे, चैरिटी को बहुत मानते थे, उनका त्याग वो कर ही नहीं सकते थे, तो फिर काल्पनिकता आखिर क्यों? देखिए देखिए कहते हैं कि धोबी के कहने पर प्रभु ने त्याग कर दिया। पता नहीं आप कथा पहले क्या सुने हैं नहीं सुने हैं, मानस जी में स्पष्ट गोस्वामी जी ने उल्लेख किया है श्री रामचरित मानस जी में, मेरी माँ का हरण ही नहीं हुआ, रावण माँ का प्रतिबिंब ले गया है, छाया सीता प्रथम अनल महु राखी प्रगट कीन चह अंतर साखी। ये चौपाई है, जब भगवान रावण का वध कर दिए हैं सीता मैया आई हैं, तो सीता मैया नहीं आई है, माँ का प्रतिबिंब आया है। तो अब प्रतिबिंब माँ को प्रभु ने अग्नि में जब प्रवेश कराया तो उस समय एकांत में थे, लक्ष्मण जी भी नहीं थे, माँ भी जानती हैं और प्रभु भी जानते हैं, दो लोग को छोड़कर तीसरा कोई नहीं जानता, यहाँ लक्ष्मण जी भी नहीं जान रहे हैं कि नकली भाभी है। रावण माँ का फोटो ले गया, पूरी लीला भाई, सीता जी का प्रतिबिंब विभीषण जी लेकर आए, सीता जी असली अग्नि में बैठी हैं, राम जी जान रहे हैं कि ये प्रतिबिंब है, असली सीता जी नहीं है, तो अब भगवान को अपनी सीता जी को लाना है, इसलिए भगवान ने वहां अग्नि परीक्षण की झूठी रचना की, प्रतिबिंब की सीता जी अग्नि में जाके जल गई और असली सीता जी को अग्नि नारायण भगवान को सौंप दिए और कोई भी इस रहस्य को नहीं जान पाया। एक श्रोता ने बहुत पहले मेरे से प्रश्न किया, ये बात है छिंदवाड़ा की, सन 2016 या 15 की बात है, कि महाराज जी जब भगवान राम एकांत में सीता जी को अग्नि में प्रवेश करा दिए तो एकांत में वापस भी ले सकते थे, तो इतना ये खिचड़ी नहीं पकता कि क्यों परीक्षण किया ये किया, हमने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया आपने। तो उसको मैंने अपने पूज्य महाराज श्री से पूछा रात्रि में कि सरकार ये प्रश्न आया बहुत अच्छा प्रश्न है, फिर मेरे महाराज जी ने कहा लाला भगवान जानते हैं कि मुझे एकांत अब मिलने वाला नहीं है, भगवान तो सब जानते हैं, प्रभु जानत सब बिना ही जनाए, वहां सारे कपि लोग हैं, लक्ष्मण जी हैं, विभीषण जी सब लोग हैं, और भगवान ये भी जानते हैं कि जैसे मैं अयोध्या पहुंचूंगा अयोध्या जाने के साथ ही मेरा अभिषेक होगा, तो मुझे एकांत मिलने वाला है नहीं, तो क्या मैं प्रतिबिंब की सीता जी के साथ अभिषेक में बैठूंगा? इसलिए भगवान को वहां पर विवश होकर परीक्षण की झूठी रचना बनानी पड़ी और मां को वहां से वापस लाना पड़ा। तो जब सीता जी वहां गई ही नहीं है लंका में, राम जी इस बात को जान रहे हैं, तो धोबी का कहना तो ही गलत हो गया। कहिए, मानस में माँ के परित्याग की कोई चर्चा नहीं है, अन्य ग्रंथों में होगी चर्चा, अन्य ग्रंथ मैंने पढ़ा नहीं है, तो जिसको मैंने पढ़ा नहीं है उस विषय में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। महाराज जी कुमार विश्वास जी इसमें उनका एक चल रहा है कि अपने अपने राम, हाँ वो चलते हैं, उन्होंने उसमें अपने
शो में कहा है कि रावण के 10 सिर नहीं थे, वो बस 10 तरह से सोचता था, इसलिए लोग ये कहते हैं कि हाँ 10 सिर रहे हैं रावण के, चाहे ऐसा, इस पर क्या कहना? अब वो कहे तो उनसे पूछिएगा, कभी है उनको कुछ सोच के बोल सकते हैं। मानस में लिखा है काटत बढ़ई शीश समुदाय जिमी प्रतिलाभ लोक, लिखा है उसने, कह रहा है अंगद से, कहता है रावण कि मैंने अपने 10 सिर की कई बार आहुति दी है भगवान रुद्र को ना शंकर को, वो कहां से गलत हो गया? हनुमान जी पर उसका प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा, वो शंकर जी को तो मना लिया था 10 सिर की आहुति देके, लेकिन हनुमान जी 11वें एकादशो रुद्र के समन्वित अवतार है, तो 10 को तो दिया है, 11वां बचा है ना, इसलिए हनुमान जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो कहे हैं तो वो कुछ सोच के कहे होंगे, अब ये प्रश्न अच्छा होगा आप उनसे कहें। महाराज जी, आप जूलॉजी बॉटनी के छात्र हैं जी, अध्यात्म की तरफ आपने कदम कैसे रखा? हरि कृपा, पुराकृत जन्म का कुछ कर्म होगा, पुराकृत कर्म प्रबल हो गए, मेरे पूज्य पिताजी का पुण्य और मेरे पूज्य महाराजेश्वर की कृपा और रघुनाथ जी की करुणा, ये सब जब एक साथ मिल गए तो हम कथावाचक बन गए। महाराज जी, एक सवाल कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में भटकता हुआ हम लोग के पास भी आ जाता है कि राजनीति में इस वक्त एक चर्चा है कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग चीजें हैं, ये राजनीति पार्टियां कह रही हैं, अलग अलग कह रही हैं। एक आपसे ये सवाल है मेरा, आप इस पे क्या सोचते हैं, हिंदू और हिंदुत्व क्या अलग अलग है या आपके हिसाब से? राजनीतिक प्रश्न है ये, उसका अर्थ भी राजनीतिक है। आप ये पहले समझिए, हिंदू कौन? हिंदू जो हिंदुस्तान में रह रहा है, हम हिंदुत्व हिंदू से ऊपर हम सनातनी हैं, हम सनातन विचारधारा को मानने वाले हैं। हाँ हाँ, इससे ऊपर उठिए, हिंदुत्व से हिंदू से हम सनातनी हैं। हिंदुत्व का प्रचार नहीं करना, सनातन का प्रचार करना है, ठीक ना? राजनीतिक प्रश्न, राजनीति में बहुत तरह की बातें हैं, उन सब बातों को जाना छिड़ा जाए। आगे महाराज जी, आधुनिकता के इस दौर में अगर हम देखें तो धर्म और अध्यात्म को लेकर के जैसे युवा पीढ़ी है, अगर कहीं अगर हम लोग कथावाचक में याद करते हैं, लोग 40 साल 50 साल के हो गए, अब उनको धर्म की तरफ बढ़ना चाहिए, कथा वगैरह सुनना चाहिए, तो क्या अध्यात्म या धर्म को लेकर के एक कोई सीमित उम्र है कि उस तरफ बढ़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, 50 साल के बाद सुनने लग रहे नहीं करेंगे आप, घुटने में दर्द हो जाएगा, बैठ नहीं पाएंगे, ठंड लगेगी, बैठ नहीं पाएंगे। ऐसे कथावाचक क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज की पीढ़ी है, नौ युवकों की पीढ़ी है? देखिए, हमारे महाराष्ट्र कहा करते हैं, बाबू बचपन से यदि प्रारंभ नहीं हुआ तो बचपन के बाद होने वाला नहीं है। माता पिता बच्चों को पढ़ाने में तो लगे हैं, पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, जितनी अच्छी शिक्षा आप दे सकते हैं दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ संस्कार की शिक्षा दीजिए, और उन शिक्षाओं को देने के लिए आपको बच्चों को कथाओं में, सत्संग में, महापुरुषों की शरण में ले जाना पड़ेगा बचपन से। यहाँ देखिए कथा में कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी से आप कहिए, अब 3-3 4-4 घंटे बच्चे बैठ रहे हैं एक जगह पर, आप सोच सकते हैं इस बात को, एक जगह बच्चे बैठे 4 घंटे, ये असंभव है, लेकिन बच्चे बैठ रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे? नहीं, और कोई प्रश्न? महाराज जी, कई भजन देखे थे यूट्यूब वगैरह पे वायरल होते हैं, मेरा एक सवाल ये था कि आप उनका पसंदीदा भजन उनमें से कौन सा है? प्रश्न बड़ा कठिन कर दिया आपने, बहुत सारे भजन हैं, जैसे एक भजन है, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, एक भजन है, पकड़ लो बांह रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे, एक भजन अगर नाथ देखोगे वो गुण हमारे, फिर से एक भजन है, बहुत दिन से तारीफ सुनकर तुम्हारी शरण आ गया श्याम सुंदर तुम्हारी, ऐसे बहुत सारे भजन है। आज मेरा एक आखिरी प्रश्न है, हो सकता है ये शायद कुछ लोगों को हास्यपद भी लगे, कई सारे लोगों को देखें, कई सारे लगभग अधिकतर लोगों को देखें तो अगर उनसे पूछा जाए तो कहते हैं मैं बहुत परेशान हूँ, राम कथा का प्रत्येक प्रसंग हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, तो कोई ऐसा प्रसंग या मैं आपसे जानना चाहूंगा, लोग कहते हैं मैं बहुत परेशान हूँ, कैसे उस परेशानी से कोई दूर?
कोई नहीं कर सकता जब तक वो नहीं चाहेंगे। आज कथा में थे आप, में था हम परेशानी इसलिए कि कोई परेशानी नहीं है। अच्छा ये बताओ धरती पर कौन है जिसके पास समस्या नहीं है? कौन है? सबके पास समस्या है। जो आपको दिखाई पड़ रहा कि बहुत सुखी है वो रात को बिना टिकिया खाए उसको नींद नहीं आ रही है। समस्या सबके पास है, ये अंतर है कि आप समस्या को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, आप कैसे उसको झेल रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात, जीवन में यदि आपकी समस्या नहीं है तो आपका दिशा गलत है, आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। समस्याएं आ रही हैं यानी आपका मार्ग सही है, समस्याओं को झेलिए और आगे बढ़िए, ठीक ना। आज के युवाओं के लिए कुछ संदेश आपका अपना, आज के जो युवा है उनके लिए कुछ संदेश? भगवान ने सबको अपना अपना कर्म दिया है जी। अपना 100% देकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। जो भी भगवान ने आपको काम दिया, पढ़ाई दिया है, व्यापार दिया है, जो भी दिया है 100%, उसमें इफ बट लेकिन नहीं, अपना 100% देकर अपना काम करिए और हर क्षण भगवान को धन्यवाद दीजिए। किस बात के लिए? कि मानव शरीर देकर आपने भारत में भेज दिया, और विशेष करके आप लोगों के लिए कि मानव शरीर दे के भारत में तो भेजा ही, भारत में भी उत्तर प्रदेश में भेज दिया। इसी उत्तर प्रदेश में भगवान राम आए, कृष्ण आए, यही प्रयाग है, यही काशी है, यही मथुरा वृंदावन है, अब अलग हो गया, यही हरिद्वार भी था पहले। तो उत्तर प्रदेश में जहाँ भगवान परमात्मा अवतार लेते हैं उस प्रदेश में ठाकुर जी ने आप लोगों को भेजा है। कथाएं मिल रही हैं, सरजू जी का दर्शन मिल रहा है, संतों का दर्शन मिल रहा है। इसके लिए दिन प्रतिदिन भगवान को धन्यवाद दीजिए और ईमानदारी से अपना काम करिए, हर क्षण आनंद में बीते।